नहीं साहब, उस पर विचार तो करेंगे। वजह क्या है आपकी, कैसे बैठा रहे हैं आपने आईएएस? आज सुबह से ही फोन आ रहे थे अम्बेडकर बाई क्षेत्र में जो है कर्मचारियों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है कि काम करो काम करो। जैसा कि हमने बता दिया कार्य बहिष्कार हमारे 30 दिसंबर से कार्य बहिष्कार चल रहा था और सेना के सम्मान में 6 दिसंबर को हमने जो है कार्यक्रम सुचारू रूप से ये राजीव जो नए नियुक्त प्रबंधक प्रशासन है इनके उपस्थिति में वार्ता भी हुई हम लोगों की और उपस्थिति में जो है कार्य सुचारू रूप से संचालन भी करा दिया। लेकिन आज जो कर्मचारियों के प्रति उदासीनता रही कि प्राइवेट बाउंसरों को ला करके और उनके हाथ में डंडा दे करके कर्मचारियों से खड़ा करके काम कराने का ये उचित मतलब संदेश नहीं था हम लोगों के लिए ना, हमारे कर्मचारियों के लिए, जिसको जानकारी प्राप्त होकर के मैं आया यहाँ मिलने के लिए। सूचना दिया गया वहाँ पे? हाँ, कर्मचारियों के द्वारा मुझे सूचना मिली तब मैं यहाँ पर आया। और जब अम्बेडकर बाई क्षेत्र में ये जैसे ही हम पहुँचे हैं तो वहाँ से प्रबंधक प्रशासन महोदय वहाँ से निकल चुके थे। फिर मैंने उनकी जानकारी प्राप्त की कि सर कहाँ हैं आप, तो पता चला कि चटोरी गली में हैं हम। तो हम चटोरी गली जब गए तो प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से हमारी कुशल पूर्वक वार्ता होती रही, हंसती मुस्कुराते वार्ता हुई कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अब हो रहा है। ऐसे स्थिति में जो है LDABC जो हमारे सदस्य सचिव महोदय हैं वो आते हैं, गाली गलौज भी किया उन्होंने। तो पब्लिक जो कर्मचारी हैं हमारे, थोड़ा सा VC साहब का डर तो बना ही होता है, चाहे जितना बड़ा फोर्थ क्लास का संगठन हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन फिर उनको ये उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि कौशल किशोर आदित्य कौन है। उन्होंने भागते हुए पूछते आए, उससे पूछ रहे उससे पूछ रहे कौशल किशोर आदित्य कौन है। हम आए, हमारे सामने आए, बोले कौन है कौशल किशोर? हमने कहा सर हम हैं। हमारी सीधे उन्होंने कालर पकड़ी और गाली गलौज की, मारपीट किया हमारे साथ और सीधे उन्होंने अभद्र भाषा माँ बहन की गाली भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि चमार पासी भंगी खटके ऐसे लोग कैसे कैसे स्मारक समिति में नियुक्त कर दिए गए हैं और ये 800 करोड़ का घोटाला को लेकर के बैठे हो, ये धरना खत्म कर दो नहीं गुंडे में घुसेड़ दी जाएगी और देखता हूँ तुम कितने बड़े हो, नेता हो गए हो। तो हम नेता नहीं है, हम कर्मचारी हैं। अगर हमारे 10% की कटौती की गई है तो हम उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसमें जो भी दोषी अधिकारी पाए जाते हैं उनको जो है सजा दी जाए और जेल भेजा जाए। अगर हमारे 800 करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसमें जो हमारे कर्मचारियों का खाता खुलवाया जाए। जी मैंने भी थाने में एक FIR के लिए जो है अपनी पूरी जानकारी दी है। हमारी FIR नहीं दर्ज की गई है, अगर यहाँ से नहीं दर्ज होगी तो हम जो है कोर्ट से दर्ज करवाएंगे। जी असल में हम लोगों को 30 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा है, तो क्योंकि हमारे साथियों के ऊपर कार्रवाई हो गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया VC द्वारा और वेतन काटने का आदेश कर दिया गया, तो हम लोगों का कार्य बहिष्कार 30 तारीख से चल रहा है। इसी विषय पे जो है हमारे अधिकारियों द्वारा बार बार हम लोगों कर्मचारियों को दबाव जबरदस्ती दबाव डाल के काम कराने का प्रयास किया जा रहा था। हाँ, तो हमारे आदित्य भाई को सूचना मिली कि चटोरी गली में अधिकारियों द्वारा काम कराया जा रहा है जबरदस्ती कर्मचारियों से, तो आदित्य भाई वहाँ पे गए थे। उन्होंने जो है प्रबंधक प्रशासन से वार्ता की, चूंकि प्रबंधक प्रशासन वहाँ पे खुद खड़े थे, उन्होंने वार्ता की, हम लोगों की वार्ता अच्छी चल रही थी, तभी जो है VC साहब आए और उन्होंने जो है मारपीट की हमारे आदित्य भाई के साथ और उनको गाड़ी में बिठा के उनको धमकी देते हुए जाति शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पे भेजा जो है थाने में। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग हमारे साथी को छोड़ा जाए और VC साहब के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। समिति से है, हम लोग को जो मांग है वो पूरा नहीं कर रहे हैं और जो है कि हम लोग को मांग तो आपके ईगो गार्डन में बनाए, लेकिन ये थाने पे क्या करने आए हैं आप लोग इतनी संख्या में? ये हमारे नेता जो है आदित्य जी हैं उनको पकड़ करके ले आए हैं जबरदस्ती, उन्हीं के समर्थन में है भैया आदित्य किशोर कौशल गए। आदित्य को पुलिस ऐसे क्यों पकड़ के ले गए, कोई तो बात हुई हो वहाँ की, वहाँ यही दबाव है और क्या पकड़ के लाई है, इनके अधिकारियों की तो है ये चाल है कि इन्हें बंद कर दो फिर हो जाएंगे ये, पर हम ऐसे थोड़ी ना होने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं हमें मार उड़ के यहीं वो कर दो ना,
इनके उसमें गाड़ियों में तेल तो होगा ना, वो मेरे ऊपर डाल दो भैया, बाकी किसी के ऊपर ना डालो। बस वैसे ही मर रहे हैं हम, तो मरे हुए हैं हम, तो इससे फायदा क्या है जीने का? ऐसा जीने में जीना थोड़ी होता है, एक कीड़ा समझे हमें, कीड़ा भी एक देख लेता है मुझे कहाँ को जाना है, यहाँ तो उसकी भी जगह नहीं है। और इन्होंने यही अपना देख रखा, 800 करोड़ का घोटाले में है, इसीलिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग आए हैं आदित्य भैया को लेके जाएंगे। आदित्य भैया के साथ क्या हुआ था, क्यों आदित्य भैया को वहाँ खड़े थे, उनको डंडे दे करके लाए गए हैं, है? वही क्या नाम उनका, बीसी साहब, बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, वहाँ गए पहले हम लोग अपना मामला सुलटा लिए थे कि ठीक है सर हम लोग काम करने के लिए तैयार है, ठीक है वो लोग कहे ठीक है आपकी मांगे जरूर पूरी होगी, आप लोग काम करिए, लेकिन वो लोग प्राइवेट वालों को भिड़ा दिए, ठीक। फिर वो हमारे आदित्य भैया आए, उनको तुरंत डंडे ऐसे ऐसे करके लेके निकल गए अंदर गाड़ी में बैठा के, हम लोग ऊपर जा रहे थे लाठी चार्ज करवाने, असुर और गाली दे रहे थे, नीच जात क्या कहते हैं, धरना आप देंगे। हम भी यहीं गए हवाई क्षेत्र से। क्या हुआ था, क्यों आप थाने आई? मेरे क्या कहते हैं स्टाफ के अंदर ले गए हैं आदित्य, ठीक। हम लोग आज 24 दिन से वहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम लोग अपने मांगों को लेके वहाँ इतना ज्यादा 24 दिन से परेशान है, यहाँ तक तो पहुँचा दिए मेरे अधिकारी लोगों सब लोग, हाँ अंदर ले गए वहाँ पे, वहाँ जातिवादी करके यहाँ लेके आए हैं कि नीच जात हो के तुम यहाँ धरना दोगे। ये बात किसने कही? वहाँ पे अधिकारी लोग दिए थे, हम लोग को एकदम पीछे ठेल दिए कि क्या कहते हैं जो पंडित हो और कोई क्या कहते हैं कास्ट हो, क्या वही यहाँ पे आए ड्यूटी करे, उन्हीं का वो हो, नीच जात वाले ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, वो अपना पेट नहीं चला सकते हैं।